हैं आप सभी लोग होप सो सभी बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग ना बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह है अभी सबसे पहले आज मैं ना उठ के चाय बनाई थी मैंने और अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाया था उसको स्कूल भेज दिया और सबसे पहले उसके बाद मैं नहा गई नहाने के बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ और ये मैंने चादर चेंज कर दिए चद्दर मैंने धोने डाल दिए और जब भी फ्री होंगी तो चादर बिछा चा दूँगी तो जब भी मैं ना झाड़ू लगाती हूँ तो खिड़की दरवाजे भी अच्छे से झाड़ लेती हूँ मकड़ी वकड़ी चलती है और रस्ते के घर में क्या होता है ना डस्ट बहुत ज़्यादा आती है तो इस तरह से मैं झाड़ लेती हूँ तो लास्ट में चद्दर बिछाऊँगी दिन के टाइम पर जब मेरे को टाइम लगेगा और मैं सोफ़े वगैरह झाड़ लेती हूँ पहले सोफ़े झाड़ लेती हूँ बिस्तर झाड़ लेती हूँ उसके बाद अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ और आज मैंने नेगी जी का टिप्पन नहीं बनाया अभी तो झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर का भी झाड़ू लगा लूँगी और फिर बनाऊँगी मैं नेगी जी का टिप्पन और तब पोछा लास्ट में लगाऊँगी जब नेगी जी चले जाएँगे क्योंकि तब अच्छे से ना पोछा लग जाता है ना फिर बार बार किसी के पाँव अंदर नहीं आते हैं तो गंदा नहीं होता और नहीं तो बच्चे घर में रहते हैं या कोई भी घर में रहता है तो बार बार गंदा होता रहता है तो झाड़ू लगा लेती हूँ पहले मैं सारे घर का उसके बाद मिलती हूँ आपसे तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं किचन में आ गई हूँ नेगी जी के लिए नाश्ता बनाने के लिए क्योंकि नेगी जी का ऑफिस जाने का टाइम बस होने ही वाला है आठ बज गई साढ़े आठ बजे वो जाते हैं तो मैंने कहा फटाफट मैं पहले उनके लिए टिफ़न बना लेती हूँ और खाने के लिए बना लेती हूँ तो यहाँ पर ना मैंने कैमरा सेट करके रखा था तो पता नहीं मेरा ये कैमरा कैसा है ये बार बार फोकस ही लेता रहता है आप देख रहे होंगे कहीं पे उजाला कहीं पे अंधेरा है होता रहता है इसमें पता नहीं क्यों मैं तो परेशान हूँ इस कैमरे के साथ वैसे इसमें फ़ोटो वीडियो बहुत अच्छी आती है लेकिन जब उजाला रहता है ना जैसे सूरज की किरणें पड़ रही है ना बाहर से सूरज की किरणें आ रही है मेरी उससे विंडो से तो ये ज़्यादा उजाले में ना फोकस ही लेता रहता है पता नहीं क्यों तो ऐसे ही ना अंधेरा हो गया पूरा वीडियो मैंने पूरा सूट कर रखा था लेकिन क्या करूँ क्या बोलते हैं अंधेरा आ गया पूरी वीडियो में तो अच्छा सा नहीं लग रहा था तो मैंने पूरा वीडियो कट कर दिया फिर तो यहाँ पे मैंने ना नेगी जी के लिए रोटी बना रही हूँ तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि रोटी फूल रही है तो वैसे तो फूलती है मेरी सारी रोटी कभी कभी नहीं फूलती है जैसे आटा बासी हो जाता है ना तो तब वो वाली नहीं फूलती आटे को अगर पहले मतलब क्या बोलते हैं आधा घंटा या पंद्रह बीस मिनट पहले लगा के रख दो ना तो बहुत अच्छे से फूलती है रोटी तो धूप बहुत तेज़ आ रही थी विंडो से तो मैं देख रही थी बाहर ने कीजिए ना पूजा कर रहे ना तो बाहर जल चढ़ाने गए थे और यहाँ पे ना वो किचन से ज ज ज तो, मतलब पानी वगैरह लेते हैं ना तो मैं खाना बना रही थी तो वो वीडियो में आ गए थे बरियान में थे वो तो बोल रहे कि क्या बोलते हैं मुझे पता ही नहीं था कि आप वीडियो शूट कर रहे हो मैंने कहा तो क्या हुआ तो घर पे तो सब ऐसे ही रहते हैं ना तो नेगी जी को वैसे भी गर्मी बहुत लगती है तो वो पूजा करते टाइम वैसे तो अभी ठंडी आ गई थोड़ी सी लेकिन ज़्यादातर वो पूजा करते टाइम बनियान में ही रहते हैं। और अच्छा लगता होगा ना मतलब ऐसे ही पूजा करने में तो क्या बोलते हैं बस यही है नेगी जी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और मैं बना रही हूँ नेगी जी के लिए टिफ़िन और नाश्ता और मेरा बेटा तो सुबह ही चला गया स्कूल उसके लिए मैंने पहले ही बना लिया था तो बस नेकी जी के लिए मैं रोटियों पर घी लगाऊंगी और रख दूंगी रोटी तो ये देखिए वो बोल रहे थे मेरे को कि तीन रोटी रखेगा चार मत रखेगा मेरे लिए ऐसे करके तो चलिए बस मेरी रोटी बन गई अपने लिए मैं थोड़ी देर में बना लूँगी और यहाँ पे ना रात को मैंने बादाम भिगाए थे बड़े डांट वाट खाने के बाद नेकी जी की मैंने बहुत दिनों बाद बादाम भिगाए थे और इनको देना ही भूल गई सुबह मैं अपने बेटे को और नेगी जी को तो मैंने दे दिए थे क्योंकि अभी छिल रही हूँ ये नेगी जी के लिए और अपने लिए तो साथ में ही छिल रही हूँ दोनों के लिए और नेगी जी के लिए मैंने नाश्ता बनाया ना अभी उनको करने के लिए भी दिया नाश्ता यहाँ पे तो फिर थोड़ा सा दूध बच गया था वैसे दूध मैं पीती नहीं हूँ लेकिन दूध थोड़ा सा बच गया था तो मैंने सोचा चलिए जब तक नेगी जी नाश्ता करते तैयार होते तब तक मैं भी दूध पी लेती हूँ नाश्ता तो मैंने अपने लिए बनाया नहीं अभी तो मैं बादाम छिल लेती हूँ फटाफट और फिर उनके हिस्से को उनके दे दूँगी और अपना खा लूँगी और रेसी को जब वो स्कूल से आएगा तब दूँगी तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे छील लिए अपने और नेगी जी के बदले के तो चलिए मैं भी पी लेती हूँ अब दूध गरम गरम हेलो फ्रेंड्स प्रणाम नमस्ते जय माता दी कैसे हैं आप सभी लोग आई होप सो हो कि सभी बहुत अच्छे होंगे हम भी अच्छे हैं और नेगी जी चले गए हैं जस्ट मैं गेट बंद करके आ रही हूँ और मैंने अपने लिए नाश्ता बना के रखा है मैंने नाश्ता अभी किया नहीं है अभी कपड़े भी नहीं धोए किचन भी पड़ा हुआ है अभी हो रहा है टाइम साढ़े आज मैं पहले नहा गई थी उसके बाद किया मैंने सारा काम और क्या बोलते हैं झाड़ू लगाया पोछा लगाया फिर नाश्ता बनाया और मैंने ना कपड़े थोड़े से ही हैं तो मैंने भिगा के रखे हैं इसलिए और नेगी जी चले गए हैं नेगी जी को नाश्ता करवा दिया था और अपने लिए मैंने बना के रखा है मैंने जस्ट अभी दूध पिया है और बादाम खाए बस जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा रात को मैंने बादाम भिगा के रखे थे लेकिन खाना ही भूल गए मतलब खाना हमने तो ही लिए लेकिन मेरे बेटे ने नहीं खाए तो उसको स्कूल से आके दूंगी मेरे को बहुत डांट पड़ती है कि रात को बादाम भिगा के रखा कर सुबह खा लिया करेंगे लेकिन मैं भूल जाती हूँ हमेशा आज मैंने भिगाए तो आज खाना भूल गए <laughs> तो फ्रेंड्स मेरा ऐसे ही है यहाँ से इतना सारा काम रहता है कि मतलब कुछ कुछ कामें भूल जाते सबके साथ होता होगा हाउस वाइफ सबके साथ होता होगा ऐसा ना घर में हजार काम होते हैं जिनमें से दस काम बीस काम तो छूट ही जाते हैं तो चलिए फ्रेंड्स मैं ना नाश्ता कर लेती हूँ काम कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे तो ये फ्रेंड्स मैंने शाही टुकड़ा बनाया था इसकी रेसिपी रेनू रेसिपी एंड लाइफ स्टाइल पर आएगी फुल रेसिपी तो आप चेकआउट कर सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी और आसान है अब मैं मिल रही हूँ आपको एक बजे एक बजे का टाइम हो रहा है तो कल शाम को मैंने ना शाही टुकड़ा नहीं बनाया था मैं बोल रही थी ना बनाने को लेकिन नहीं बनाया था और आज मैंने अभी क्या बोलते हैं खाने में आज मैंने पुलाव बना रखा है आलू गोभी डाल के पुलाव बना रखा है वेज पुलाव और शाही टुकड़ा भी बना रखा है साथ में मैंने हरे धनिए की चटनी बना रखी है सिलबट्टे में बनाती तो बहुत टेस्टी होता लेकिन टाइम मतलब सुबह से थक गई थी ना काम करते करते किचन में खड़े खड़े तो मैंने क्या बोलते हैं मिक्सी में बनाई और अभी मेरा ना मक्खन भी करने को हो रखा है यानी जो मलाई जमा करती हूँ ना उससे मक्खन बनाने को और रखा है लेकिन बहुत थकान लग रही तो रात को बनाऊँगी देखती हूँ या बाद शाम को बनाऊँगी अभी तो नहीं बना रही थोड़ा सा आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई कर लेती हूँ सुबह ना जब मैं आपको मिली थी उसके बाद मैंने दो वीडियो अपलोड करी फिर उसके बाद कपड़े धोए किचन साफ किया नाश्ता किया बहुत सारे और भी चुटुर मुटुर काम किए तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या कर रखा है किचन में मैंने साइड टुकड़ा दो उसमें बना रखा था तो ये मैंने घर के लिए उधर के लिए पैक कर रखा है देखिए मैंने चटनी बना रखी है धनिए की बहुत ही अच्छी चटनी बनी है देखिए ठीक चटनी तो इसे मैं पुलाव के साथ खाऊंगी मेरा बेटा तो खाता नहीं है देखिए फ्रेंड्स कल मैंने जो मूली के पत्तों की सब्जी बनाई थी ना वो ये बची है थोड़ी सी क्योंकि मैं अकेली थी ना इसलिए ये बची है मेरा पुलाव बन रखा है मैंने दिखाया आपको किचन में मैंने क्या क्या कर रखा है काम पुलाव बना दिया है चटनी बना दी है और क्या बोलते हैं शाही टुकड़ा बना दिया है और बस अब कुछ नहीं बनाऊंगी और प्याज इतने महंगे हो गए ना आप लोगों के यहाँ प्याज कितने रुपए किलो है बताना यहाँ सत्तर रुपए किलो प्याज होगी बताओ टमाटर सस्ता हुआ तो प्याज महंगा हो गया क्या खाएँ बताओ मुझे ऐसा लग रहा है सब्जियों ने ना नंबर लगा रखा है एक बोल रहा है मैं आगे दूसरा बोल रहा हूँ मैं आगे तीसरा बोल रहा हूँ मैं आगे तो पता नहीं फ्रेंड्स प्याज कब सस्ता होगा टमाटर तो सस्ता हो गया टमाटर यहाँ तीस रुपये किलो चल रहा है अभी और प्याज चल रहा है कोई कोई पैंसठ कोई साठ मतलब अपने अपने रेट है सबके तो मैं तो नहीं गई मार्केट लेकिन मैंने सुना आजकल नेगी जी ही ला रहे सब्जी मैं तो काफ़ी टाइम से मार्केट नहीं गई उसी दिन गई थी करवा चौथ की शॉपिंग को वो भी डायरेक्ट आगे गई थी मार्केट सिविल लैन क्या घर से गाड़ी घर के अंदर से ही गाड़ी में बैठ जाती हूँ जिस दुकान में सामान लेना है वहाँ उतरती हूँ और फिर घर के अंदर ही आके उतारते हैं मुझे तो मुझे बीच में क्या चल रहा है क्यों चल रहा है कैसा चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता तो सब्जी आजकल नेगी जी लेके आ जा रहे हैं तो मुझे जाना ही नहीं हो रहा बाजार तो हमको ना सैलेड में मेरे बेटे को ना खीरा नहीं पसंद है कुछ भी पसंद नहीं है मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ सैलड में लेकिन उसे ना प्याज खा रहा है वो आजकल सैलेड में तो वो भी महंगा हो गया बता <laughs> तो फ्रेंड्स चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में फ्रेंड्स गुड इवनिंग अभी है शाम का टाइम और रेसी जाने वाला है ट्यूशन और बोल रहे हैं कि चार बजे से सूतक लग गया है लग हाँ लग गया है क्योंकि चार बज के पच्चीस मिनट हो गए और मैंने देखिए बर्तन भी नहीं धोए हैं और आज मैं सोई भी नहीं हूँ तो आप सोचोगे कि कर क्या रही हूँ मैं है ना तो मैं बताती हूँ आपको क्या कर रही हूँ फ्रेंड्स मैं मक्खन बना रही थी और छींटे देखिए देखिए कितनी गंदी हालत हो रखी है और ये सबसे बड़ा बर्तन था इसलिए मैंने सोचा इसमें करूँगी क्योंकि जिसमें मैं मक्खन बनाती हूँ ना उसमें मैंने दूध गर्म कर रखा है और फिर क्या बोलते हैं उससे बड़ा बर्तन कोई था ही नहीं मैं मटकी में बनाती हूँ तो मटकी पता नहीं कहाँ रखी है तो सबसे बड़ा बर्तन मुझे यही दिखा और ये देखिए आज ना मक्खन मैंने इससे निकाला ये देखिए ये नहीं होता हैंड ब्लेंडर ये छोटा सा इससे निकाला मैंने मक्खन देखिए क्योंकि अगर बड़े वाले से निकालती ना ये और ज़्यादा उछलता और ये भी जबकि काफ़ी बड़ा है देखिए एक हफ्ते की मलाई है मेरी और बड़ी मुश्किल से मक्खन तो निकल गया है देखिए अच्छे से बस अब इसको उठाना है और पानी से धोना है तो फ्रेंड्स इसने मेरी जान निकाल दी आज मक्खन जबकि दस से पंद्रह मिनट में मैं निकाल लेती हूँ रई से लेकिन रई डालती इसमें तो वो पूरा ही बाहर आ जाता क्योंकि रई बड़ी होती है ना उससे और ज्यादा उछलता है तो पहले मैं इसका मक्खन निकाल लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपको तो फ्रेंड्स ये कढ़ाई जो है ना ये मेरी शादी में मिली थी मुझे ये कढ़ाई और जिसमें मैं मक्खन करती हूँ वो पतीली भी मेरे पे ज़्यादातर बर्तन मेरे किचन में जो भी है मेरी शादी में आए हुए हैं तो ये बड़ी कढ़ाई है ना तो सब्जी बनाने के लिए ऐसे ही सेम टू मैं छोटी कढ़ाई लेके आई हूँ डेली मैं सब्जी उसी में बनाती हूँ और इसमें मैं मक्खन गलाती हूँ क्योंकि बड़ी है ना काफ़ी तो इसमें मक्खन गलाने में बढ़िया रहता है बाहर नहीं निकलता जल्दी से तो मैं फटाफट से पहले मक्खन निकाल लेती हूँ मेरा जितना मक्खन रहता है मलाई रहती है ना उतना ही मक्खन भी निकल जाता है ये दो पानी से मैंने धो लिया है देखिए ये अभी भी पानी निकल रहा है तो इसलिए हम इसको ना अभी नहीं गलाएंगे हम इसका घी बनाएंगे कल और ये देखिए ये मक्खन का पानी जो निकलता है बटर मिल्क ये वो है इससे कल मैं कोई ना कोई रेसिपी बनाऊंगी तो फाइनली ये मेरा निकल चुका है देखिए वो मक्खन है और वो वीडियो में ना छोटे छोटे आ रहे हैं वो लेकिन है बहुत बड़ा ये भी और ये वो क्या बोलते हैं ये वाली कढ़ाई तो बहुत ही बड़ी है नारियल पी के वही रखा है और मैंने शाही टुकड़ा बनाया था थोड़ा सा बचा है तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने तुलसी का पत्ता डाल रखा है ये देखिए क्योंकि सूतक लग गया इसमें देखिए आप तुलसी पत्ता डाल रखा है इसमें भी आपको दिख रहा होगा तुलसी पत्ता सब चीज़ भाई यहाँ जो भी फ्रिज में चीज फ्रेंड्स तो अभी ना मैं काटने जा रही हूँ शाम रात के लिए सब्जी भिंडी की सब्जी काट काटने जा रही हूँ क्योंकि मैंने धनिया की चटनी बना रखी है और क्या बोलते हैं हम शाही टुकड़ा भी बना रखा था वो भी है और पुलाव बनाया था दिन में वो भी बचा है तो भिंडी की सब्जी बना रही हूँ क्योंकि रेसी को भिंडी पसंद है तो रोटी बनाऊँगी तो वो अच्छे से खा लेगा क्योंकि ना तो उससे पुलाव पसंद है और ना चटनी पसंद है तो इसलिए उसके लिए भिंडी बना रही हूँ फिर हम भी थोड़ा थोड़ा भिंडी खा लेंगे और हमारे सामने हो रही है रामलीला तो आ, कल ना आज सैटरडे है और कल है संडे तो मैं सोच रही हूँ आज रेसी को रामलीला देखने ले जाऊँ क्योंकि मेरे आस पड़ोस के सभी लोग जा रहे हैं तो मैं और दिन तो जा नहीं पाती क्योंकि पाँच बजे उठना होता है तो मैंने सोचा कि आज सैटरडे है कल संडे है तो आज चले जाते हैं और बच्चों को और जगह भले ही ले जाओ या ना ले जाओ मेले वगैरह मार्केट वगैरह कहीं घुमाने पिकनिक में ले जाओ या ना ले जाओ लेकिन ऐसी जगह में ज़रूर ले जाना चाहिए चाहे वो कहीं पे कथा हो या कहीं पे क्या बोलते रामलीला वगैरह जैसे आजकल हर जगह हो रही है वहाँ पे बच्चों को जरूर ले जाना चाहिए बच्चों को सारी बातें समझ में ना सही लेकिन सौ बातों में से एक बात तो समझ आएगी तो ऐसी जगहों में ज़रूर ले जाना चाहिए तो क्या बोलते हैं लोग तो जाते हैं मैं नहीं जा पाती हूँ लेकिन मैं पिछली बार भी एक दिन गई थी और एक दिन मैंने ऋषि को दादी और के साथ भेजा था और एक दिन उसके पापा को बोला था मैंने कि आप लोग चले जाओ तो हमारा क्या होता है कि रात को खाना लेट होता है तब तक रामलीला स्टार्ट हो जाती है और फिर खाना खाने के बाद अगर जाओ ग्यारह बारह बजे तो फिर आने के लिए ना बहुत देर हो जाती है और फिर सुबह उठा नहीं जाता तो कल संडे है इसलिए हम आज जा रहे तो फ्रेंड्स मैं फटाफट काम कर लेती हूँ बचा हुआ और नेगी जी के आने से पहले सब्जी सब्जी बना दूँगी तो क्या बोलते हैं मैं मिलती हूँ आपको कल न्यू ब्लॉग में इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग में आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन तो चलिए बाय जय माता